गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह का टाइम क्या बोलूँ, हाँ सुबह का ही टाइम है, 10:15 हो रहे हैं और शोना को ऐसे मैंने गोद में लटका के इसका पैर ऐसे हिला दिए, तो इसको गोद में लटका के सारा कुछ करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे रू रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए, राधे हैं तो आज का एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा, मजा ही मजा। हाँ वो फेशियल उसमें लॉल हो गया रोहित के साथ। तो रू फेस वॉश नहा कर अभी आए हैं और क्रीम समझ के फेस वॉश लगा लाइए उस वहाँ पढ़ते नहीं हो लिखा हुआ मामा और सबको इतना बहुत कंफ्यूज करता, पापा अर्थ नहीं है पापा अर्थ भी लाइए, मम्मा अर्थ से कुछ नहीं होगा। हंसी आ रहा है, उसी में है क्रीम, उसी में है, गोरे हो गए कोई बात नहीं लगा लिए तो क्या, उसी में है। कहाँ इसका नीचे व्हाइट वाला जो है वो है क्रीम। तो राधे का गाइस एग्जाम खत्म हो गया, एकदम टेंशन फ्री हो गया। नहीं 10 दिन तक पढ़ना है, पढ़ना कैसा मन कर रहा है, जाएंगे घूमेंगे लखनऊ जाएंगे। तुम भी जाओगे लखनऊ? हाँ मम्मी के साथ। चलो अच्छा है। तो फूफू का, हाँ फूफू का ऐसे तबियत खराब है, सो दीदी जाएंगी लखनऊ और राधे का भी एग्जाम खत्म हो गया तो ये भी निकलेगा। अच्छा है, जाओ नानी को, नानी का देखभाल करो। मौज है। घूमने थोड़ी ना जा रहे हो, नानी की तबियत खराब में जा रहे हो। घूम लिया जाएगा और क्या, घूम लेना। लेके खड़िया खोजे ली तोरे कड़िया, पकड़ो इसको हाथ में, दर्द हो रहा है मेरा। मन करे की पकड़ के धकेल दी भितरिया। पागल डैडी, पागल डैडी। 21 को एग्जाम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही 22 को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ना। कब से तुम्हारा भाई फर्स्ट अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 21 को एग्जाम खत्म होगा गाइस और 22 को हम लोग भाग जाएंगे घर छोड़ के भाग जाएंगे, भाग जाएगी माइके। लोग चाय आओ बैठो खाओ, तुम भी हम क्या खाएंगे, तुम खाओ के जाओ ना, हम क्या खाएंगे। ये क्या दिख रहा है, बैठ के एक रोटी खाओ साथ में, बैठ चुपचाप। अरे हम चाय बैठो, टोस्ट बहुत अच्छा है तो हम चाय के साथ खाना, रात में खाना, बैठो खाएगा तुम नहीं, नाश्ते और कुछ नहीं करते हम। मेरा बच्चा क्या खाएगा ना, मेरा बच्चा आ रे रोटी खो, मन नहीं कर रहा, थोड़ा धक धक धकेल दे बेटा, लिया बड़ा हरामी हो बेटा। मारिए ना, मारिए रोटी धकेल लेगा बड़ा, मन नहीं बात। ए चल बाल नोचे ना, बाल खींचा तो मेरे लगेगा, बच गया था बाल बचाने के चक्कर में। बाल असल चाचा का अच्छा हो गया नहीं, क्या लगा दूं लॉरियल जेल। ओह अच्छा जेल से थोड़ी ना बाल अच्छे होते हैं। ओहो सोना को भी खांसी बहुत हो रहा है, इसको क्या किया जाए, तुमको क्या किया जाए। तो सुबह सुबह ही रो पूरा घर धो धा कर दिए हैं, अच्छा लग रहा है अब तुम जाने के बाद हम कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेके बैठेंगे, नहाएंगे धोएंगे क्या करेंगे, उसको पीछे पकड़ लीजिए यार जो पहले करती थी, नहाएंगे कैसे उसको, पकड़ चंदा। इट्स पिकाचू 69 ल्योरी, पिकाचू बालबस और भी अभी आएगा, देखना हड्डी फंसा मत लेना गले में, एकदम को धकेलना पड़ेगा हड्डी को। टैटू बनवाओ मेरे नाम का, टैटू हमारे नाम का हम शहीद चौक बनाएंगे, उपासना चौक शहीद होने के बाद ही ना शहीद चौक बनता, देखिए कैसे बोल रहा है, 100 साल को मरोगे ना जी, बुढ़िया होके तुम्हारे नाम का कभी ना तो कभी मरना है ना। टैटू यहाँ सिवान में कोई ढंग का नहीं बनाता है, खराब बनाता है। परमानेंट कहाँ बनाता है, गोरखपुर तो इतनी बढ़ गए गोरखपुर, क्यों नहीं बनवा लिए, हमको चाहते
हम चाहते कि मेरे सारा अंधेरे में गांव है आदम भोले भागे आया हम इतने कारे के तम नाई को दिन कर मेरे नाम का टैटू बनवाओ यहाँ सीने बे हाथ पे बनो ये छाती पे कौन बनवाएगा हाँ हाथ पे बनो ये हाथ पे हाथ पे ठीक है सीने बनवाए हाथ बनवा ले इधर 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 हाथ पे बनाएंगे इधर नहीं इधर इधर ऐसे पता चल रहा कहाँ रोचे कहाँ बनवाएंगे टैटू इस हाथ से क्या करते हैं अपने पछवाड़ा धोता हूँ नहीं रुक कहाँ से आते हैं यहाँ बनाया यहाँ दिल में दिल इधर इधर दिल आता है बल जिधर दिल ना एक तरफ मेरा एक तरफ मेरे नाम का एक तरफ सोना का नाम ठीक है और रूडी कहाँ गया रूडी के नाम वो अपना मेराड़ का बनवाएगा जब भी आ जाएगा तो थोड़े छोड़े बोले कि हमरा हमरो लिखवा माय बाप के लिखवा लिया था सुना वाओ कितनी क्यूट लग रही है नेपाली लड़की से इंडियन लड़की भाई के लिए क्या किया तो ससुराल जाने मायके जाने के नाम डाले अरे कहीं रूडी इंडियन लड़की भगा के लेके आ गया तो इंडियन लड़की भगा के लेके आ गया तो गाना फोड़ देंगे काहे उसका भी बेचारे का मन होगा ना मन होगा मन को मारेगा नेपाली लड़की से शादी करवाएंगे उसका भी घाट से भगा देंगे दे आपका जनता सब इंडिया से है नहीं कहने का कि इंडिया से नहीं कर इंडिया में ही रहे घर द्वार रहे लेकिन नेपाली हो कास्ट में जो भी हो मतलब कास्ट नेपाली होनी चाहिए है ना अरेंज मैरिज लव मैरिज नहीं लव करेगा तो ठीक है तो करेगा ही बैठ के हम लोग ना ठीक लग जैसे तो गाइस आप लोगों को हम लोग अपना एक दिन गाइस के साथ मैं स्टोरी शेयर किया लेना ठीक है कि हम लोग का कैसे मैरिज हुआ मेरी मम्मी की जल्दी तो हुआ था आप लोग का शादी तुम्हारी मम्मी हमको फंसवाई है तुम्हारे चाचा से मेरी मम्मी की शादी हुआ उसके 3-4 साल बाद आप लोग का हो गया ना बेटा तो गाइस एक दिन हम लोग अपना स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मुर्गा रोटी खा गाइस मेरी मम्मी उपासना आंटी की शादी होने से पहले क्या लगती थी दीदी उपासना आंटी की मम्मी उपासना आंटी की पापा क्या लगते थे मेरी मम्मी के मामा अपने मामा तो अभी रोहित चाचा और उपासना आंटी के साथ ही नहीं हुआ रहता तो अभी मेरी उपासना मौसी लगती है चाची नहीं मौसी भी हूँ और चाची भी दोनों तो रिश्ता थोड़ा सा क्या बोलता मौसी बोला करो नहीं 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 अब जिस चीज का हैबिट उसी आदत से बोलेंगे ना एक काम कर मंगलवार और बुधवार सोमवार मंगलवार बुधवार मौसी बोलना संजय द्वार आंटी बोलना नहीं नहीं चलेगा राधे तुम्हारा चैलेंज है ये कर पाओगे तो हाँ इसके हिसाब से सुनिए तो 3 दिन उपासना आंटी को आंटी बोलेंगे 3 दिन मौसी बोलेंगे तो इसके आपको भी तो मौसा बोलना पड़ेगा 3 दिन और 3 दिन चाचा बोलना पड़ेगा और बचा एक दिन में क्या बोलेंगे दोनों मिक्स करके बोलेंगे एक दिन 12 घंटा चाचा 12 घंटा चाचा बोलेंगे और 12 घंटा मौसा बोलेंगे तो गाइस मैं क्या बोल रही थी कि एक दिन हम लोग आप लोगों से अपना स्टोरी शेयर करेंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो गाइस लोग अगर कमेंट करेंगे कि हम लोग का शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है हमसे पूछिए चुपो अभी मत बताना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और तो फिर हम शेयर करेंगे पक्का प्रॉमिस ठीक है ना डू नहीं नहीं हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज गाइस आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सोना को देखिए सोना को कितनी क्यूट है राधे के लिए गाइस कोई लड़की हो तो आप लोग बताइएगा नहीं उसका ब्याह कराना नहीं नहीं